हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी वर्कशीट नंबर 1 जो गणित की है। आज 8 सितंबर 2020 को हमें अब कल से ही मिल रही है ना बेटा, एक विषय की, एक तो विषय पर आधारित वर्कशीट होती है और एक आपकी जनरल वर्कशीट होती है। तो ये आपकी आज गणित विषय की वर्कशीट है जिसमें हमें क्या करना है, आओ संख्याओं को जाने। पहला है प्राकृतिक संख्याएँ। देखिए प्रकृति में हमें चीज़ें कैसे मिलती हैं, एक से शुरू होता है हमेशा। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें अगर चीज़ें हम गिनेंगे तो किस से, एक से शुरू करते हैं। तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कोई 5 प्राकृतिक संख्या, कोई भी एक से लेकर कहीं भी कोई भी संख्या, जो आपकी फेवरेट आपकी पसंदीदा संख्या है, आप वो 5 संख्याएँ लिख सकते हैं। उसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जब हमें पूरा करना था तो देखिए पूर्ण संख्या में हमने क्या किया, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिला देते हैं, यानी कि संख्या शुरू हो जाती है 0 से। ये देखिए आपको अलग रंग से बताया गया है, जब संख्या 0 से शुरू होती है तो वो होती है पूर्ण संख्याएं। उसके बाद देखिए बेटा अगला है पूर्णांक। पूर्णांक में घटा और जमा और साथ ही साथ 0 भी, आपका शून्य भी साथ में होता है, तो उसे पूर्णांक या इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। बेटा इसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला देते हैं, जब पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक को भी, प्राकृतिक संख्या हमारी 1, 2, 3, 4 थी, यहाँ पर घटा 1 घटा 2 घटा 3 ये सब जोड़ दिए गए, तो ये पूर्णांक संख्याएँ बन जाती हैं। और आप कोई भी 5 पूर्णांक संख्याएं यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे कोई भी 5 संख्याएं यहाँ लिखेंगे, या तो सभी में से कोई भी आ सकती है क्योंकि 0 भी इसमें इंक्लूडेड है, इसमें आप 0 को भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका है, यहाँ आपका जो पूर्णांक संख्या है, यहाँ आप घटा, जैसे मैंने घटा 6 और 6 दोनों ले लिया, घटा 7 और 7 दोनों ले लिया, तो इस तरह से आप 5 संख्याएं लिखेंगे। बेटा घटा कब आता है, घटा हमें बताने के लिए आता है कि हमारी देनदारी है, यानी कि जब भी मुझे कुछ मिलेगा तो पहले मुझे, अगर मेरा घटा 2 है तो घटा 2 का अर्थ है कि पहले मुझे वो 2 देना है किसी को, मेरी 2 की देनदारी है। अगर मुझे 4 मिल गया तो आप आगे चल के देखेंगे कि वो घटा 2 उसमें से चला जाएगा और बस 2 रह जाएगा। इसलिए आप, हमें पूर्णांकों की आवश्यकता होती है कि हम कैसे जानेंगे अगर हमारे पास कुछ चीज़ों की कमी है, तो ये हमें कमी दर्शाता है। फिर है जब पूर्णांक और अन्य पूर्णांक से भाग करते हैं, जब एक पूर्णांक संख्या को अन्य पूर्णांक संख्या से भाग करेंगे तो जो हमें कुछ ऐसी संख्याएं प्राप्त होंगी जो पूर्णांक नहीं है। जैसे ये देखिए बेटा पूर्णांक संख्या आपकी 1/5, 3/7, 5/8, 7/8 इस तरह से कोई भी हो सकती है, 6/5, तो आदि ऐसी संख्याएँ जिन्हें लिखने के लिए हम पूर्णांक की मदद, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। और परिमेय संख्याएं हमेशा p/q, p/ यानी कि अंश और हर दोनों होंगे उसमें, जिसमें आपका अंश और हर होगा परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, तथा जहां p और q पूर्णांक संख्याएं होती हैं, q का मान कभी भी 0 नहीं होता। तो बेटा यहाँ पे परिमेय संख्या में कभी भी q कभी भी इक्वल टू 0 नहीं है, तो इक्वल टू उसके ऊपर लाइन डाल दी तो नॉट इक्वल टू, कभी भी 0 नहीं होगा, उसका कोई ना कोई हर ज़रूर होगा। उसके बाद देखिए प्रश्न दिए गए संख्या समूह में संख्याएं देकर नीचे दिए गए समूहों में लिखिए। तो बेटा ये देखिए अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इन संख्याओं को समूहों में बांटना है। तो इन संख्याओं को समूहों में बांटने के लिए पहली संख्या देखिए, हम इसको पहली संख्या को कहाँ डाल सकते हैं, ये प्राकृतिक संख्या है 1, 1, 4, 7 ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। इसी तरह से 18 ये भी हमारी प्राकृतिक संख्या है, 8 यहाँ पे दिया गया है ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। फिर उसके बाद देखिए अगर हमें यहाँ से आपको इजीली विजिबल होगा, देखिए जो हमारी घटा की संख्याएं हैं वो सब घटा की संख्याएं देखिए कहाँ पर हमें मिल रही हैं, ये देखिए हम फिर से रिवाइज करते हैं। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 से शुरू हो गई, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं, सभी संख्याएं उसमें आती हैं, और जहाँ पर ऋणात्मक जो जुड़ जाती हैं वो पूर्णांक संख्याएँ हैं। उसके बाद जब पूर्णांक
जो संख्याएं हैं जहाँ ऋणात्मक भी जुड़ गए, अगर वह पी बटा क्यू के रूप में लिखी हैं तो वो परिमेय संख्याएं हैं। ये देखिए, तो जो बटा में है वो हमारी परिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरह से आपको, अब देखिए आगे, यहाँ पर हमने देखा कि परिमेय संख्या यहाँ पर समूह बनाने हैं और यहाँ पर हमें अपनी मर्जी से कोई भी परिमेय संख्या भी लिखनी है। तो देखिए, सबसे पहले परिमेय संख्या अगर हम लिखने चाहेंगे तो 3/2, 9/4, 8/9, इसी तरह से 4/9, 3/7, 3/5, ये हमारी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं। ये हमने सारी लिख दी परिमेय संख्याएं। तो पहले हमने परिमेय संख्या ढूंढी, परिमेय संख्या ढूंढने के बाद अलग हो गई। तो देखिए अब हमारे पास क्या बचा, हमारी परिमेय संख्या अलग होने के बाद अब हम पूर्णांक को अलग कर सकते हैं। तो पूर्णांक को अलग करने पर यहाँ हम प्राकृतिक संख्याएं देखें, तो बेटा प्राकृतिक में 1, 4, 7 और आपका 8, फिर उसके बाद हमारे पास है 18। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिन्हें हम गिनती में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए बेटा पूर्णांक, तो आपके जो पूर्णांक है वो तो सभी, ये जो घटा और जमा वाले सभी जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं हैं, वो सभी किस में आ जाएंगे, वो सभी आ जाएंगे हमारे पूर्णांक में। तो ये देखिए, ये सभी घटा 4, घटा 5, घटा 72, 18 और हमारा 1, 4, 7, ये सभी किस में आ जाएंगे, पूर्णांक में। अब देखिए हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो गई, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में आपने यहाँ पे जो देखा 1, 4, 7, 8 और 18, ये सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब हमें देखिए पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, ये देखिए पूर्ण संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उन्हीं संख्याओं में अगर हम शून्य को मिला दें तो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो बेटा पूर्ण संख्याएं भी वही संख्याएं हैं, क्योंकि यहाँ शून्य तो है नहीं, तो जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वही यहाँ पर हमारी पूर्ण संख्याएं भी हैं। इन दोनों में क्या आएगा, 4, 7, 8 और 18, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं। इसके बाद देखिए हमारे 5 परिमेय संख्याएं, हमें 5 परिमेय संख्या बतानी है, कोई भी अपनी मर्जी से हम लिख सकते हैं। देखिए आप ध्यान रखेंगे कि वो उससे नीचे जो उसका हर है वो अंश उससे भाग ना हो, या फिर आप उसे भी बना सकते हैं परिमेय तो उसको भी कहेंगे, लेकिन उसका सरलतम रूप बाद में भाग करने के बाद मिलता है। तो हम लिख सकते हैं 1/5, 2/5, 2/3, 4/5, ये सारी आपकी परिमेय संख्या है। आप इस तरह की कोई भी संख्या जो आपको अच्छी लगे आप बना सकते हैं। आशा करती हूँ आप सबको ये समझ आ गया। धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।